बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले की चार अच्छी खबरों के साथ, कोरोना मरीजों का आज फिर कम हुआ आंकड़ा। आज दमोह जिले में केवल 55 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें पटेरिया, पथरिया, बांसाकला, नरसिंहगढ़, हटा, चौपरा, रौन, लखनी, जवेरा, पट्टी चौपरा, पट्टी महाराज, नोटा, तेंदुखेड़ा, पौड़ी, पिंडरई, हिंगवानी, बरखेड़ा, जटाशंकर कॉलोनी, पुलिस लाइन, बड़ापुरा, फुटेरा वार्ड, बांसा, सूखा, दमोह, खजरी, रामनाथ पिपरिया, धर्मपुरा वार्ड, सिविल वार्ड, हटा नाका, बड़ी तिंदनी, हिंडोरिया शामिल है। वहीं गढ़ाकोटा में दमोह जिले की विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रैली विधानसभा की गढ़ाकोटा में पंडित अभिषेक गोपाल भार्गव के द्वारा चाइल्ड केयर वार्ड का भी शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रेरणा से प्राप्त बेलाताल स्वच्छता टीम ने आज रविवार को दमोह नगर के सभी मार्केट इलाकों में कोरोना नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में मास्क का वितरण किया। शासन द्वारा निर्देशित सभी नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाया। अब समय आने वाला है जब हम अपने कठोरतम प्रयासों से कोरोना के विरुद्ध जंग जीत सकते हैं। एकादशी पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन हटा नगर की उपकाशी में किया गया। आसपास के क्षेत्रों में घूमने वाले अनाश्रित एवं कमजोर गौवंशों की रक्षा करने वाली सुरभि गौ सेवा समिति के तत्वाधान में रविवार की सुबह से शाम तक हरे चारे का भंडारा किया गया। आज भूमि एकादशी के शुभ अवसर पर सुरभि गौरक्षा समिति के द्वारा हटानगर के एवं आसपास के सभी स्थानों पर जो जय वंश यहाँ मिल रहे हैं, उन सभी को बड़ा सारा भंडारे के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। भागरक जी कब आया प्रभु? हाँ तुम्हें बताई रंजा। हाँ ये तो हम क्या